से था और हाँ सीआई एसआई सारा, लेकिन वो एसआई उसमें दे रहा था कि आपका जो 2 ईयर का दे रहा है, लेकिन निकाल रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है हाफ ईयरली 6 मंथ के ऊपर, उसके ऊपर अमाउंट बताना है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा था। हाँ, अगर सिंप्लीफिकेशन कितना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज 1 दिसंबर है, SSC GD फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। आज हम लोग आए हुए हैं आसनसोल, यहाँ पे SSC GD फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। दोस्तों आज हम लोग पता करेंगे कि आज का एग्जाम का लेवल किस तरह का था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दोस्त, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन होगा कि आप इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो आगे ये वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा दोस्तों। और आप लोगों के पास भी कोई अगर डाउट है जो स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपका क्या डाउट है। क्या नाम हुआ आपका? रजत कुमार। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 50। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार सर। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 70। 70। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार सिंह। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 70 लगभग। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार सिंह। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 75। क्वेश्चन का लेवल किस तरह से था बता सकते हैं? क्वेश्चन तो एक आया था सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है। हाँ। और कुछ क्वेश्चन आया था जीएस का? नहीं, जीएस का तो पता नहीं। हाँ, कितना क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से? जमोगे भी? 3 से 4 क्वेश्चन आया था। क्या कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 70+ है। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं जीएस का करंट अफेयर का? हाँ, पूछा था कि कौन सा ऐसा फूल है जो रात में खिलता है। अच्छा, और सारा है याद नहीं था। कुछ क्वेश्चन आ रहा है और जीएस का? जीएस का एक नदी से आया था कि कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी, कृष्णा नदी का सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? और कुछ क्वेश्चन नहीं था, वो 2020 का एक था और एक लेखक से आया था। हाँ। किसने पुस्तक लिखी है? और मैथ का लेवल किस तरह का था? बढ़िया ही। क्वेश्चन का लेवल का किस तरह था बता सकते हैं? मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट था। जी ऐसा कुछ क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन तो याद है नहीं। जी ऐसा क्वेश्चन याद है कुछ? जी मैं सही में क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से 3-4 सवाल आया था। हाँ, हिंदी का क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का था। हाँ, और मैथ्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन दिया है। कैलकुलेटिव था? कैलकुलेटिव था। किस तरह का क्वेश्चन था कुछ बता सकते हैं? परसेंटेज का क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहा है। इंटर लेवल तक का क्वेश्चन था, इंटर लेवल तक क्वेश्चन था। अच्छा, 5 से 7 क्वेश्चन परसेंटेज से आ रहा है। क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन नंबर आया नहीं। प्रॉफिट लॉस से कुछ क्वेश्चन याद है? फिर आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन आया, 2-3 क्वेश्चन बोर्ड मास से पूछा था। एक कितना था रेशियो से क्वेश्चन? रेशियो से एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक ही क्वेश्चन था? हाँ, एक मेंस्ट्रुएशन से आया हुआ था। हाँ। नॉर्मल क्वेश्चन था सिलेंडर का। हाँ। और आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से? हाँ, सीआई से लगभग 3 क्वेश्चन आया हुआ था। टाइप बता सकते हैं? टाइप बता सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बताया गया था, रेट दिया गया हुआ है और बोला गया है कि इसको एनुअली है, लेकिन वो कैलकुलेट करता है हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट करता है तो वो इनकम क्या होगा, अमाउंट में पूछा गया था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? लमसम 70 हम अटेम्प्ट किए। 70। कुछ क्वेश्चन याद है मैथ में? कुछ क्वेश्चन टाइप बता सकते? मैथ का टाइप लाभ और हानि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। क्या बोलते हैं ये टाइप परसेंटेज से था, पॉइंट में कैलकुलेशन बहुत अच्छी था। हाँ। कैलकुलेशन करना पड़ेगा और टाइम टेकिंग था रीजनिंग, और बाद बाकी हिंदी एकदम पूरा इजी था। हिंदी में कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, कुछ नहीं भैया। परसेंटेज से क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से और एवरेज से था, बस इतना ही और कुछ नहीं। कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए होंगे मैथ में? 85 नहीं, पूरा टोटल मिला के 85, बस 3 छूटा था मैथ में, बाकी सब बना दिया। क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेशन था, टाइम टेकिंग था क्वेश्चन। और हिंदी का क्वेश्चन किस तरह था? हिंदी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा था हिंदी का। 25 में 25 कुछ याद है? पर्यायवाची मुहावरे, पर्यायवाची मुहावरे पूछा था, पर्यायवाची से पूछा था, सुधा का पर्यायवाची। अच्छा ठीक है, और बहुत सारा कुछ पिछले था। नहीं, सब लोग एक साथ? नहीं नहीं, आप सब लोग एक साथ, जो जहाँ नहीं जाया जा सकता है। हाँ, ये पूछा था, जहाँ नहीं जाया जा सकता है, जो देने योग्य ना हो वो भी पूछा था। शादी ना हुआ हो, आप जिसका शादी ना हुआ, विवाह ना हुआ हो, अपरिणय। और क्या बोलते हैं, वर्तनी तात्कालीन का दिया था, सही वर्तनी दिया था पूछने के लिए, तात्कालीन का पूछा हुआ था। वर्तनी से कितना क्वेश्चन आ रहा है इधर? 3 क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन। हाँ, 2 क्वेश्चन था। हाँ, शुद्ध वर्तनी के लिए 2 क्वेश्चन। और गद्यांश उद्यान से क्या था? गद्यांश से था 5 क्वेश्चन था, 5 ब्लैंक वाला था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो जो पैसे जाता है ना, वो फिलिंदा ब्लैंक तो अलग से आया हुआ था, मतलब रिक्त स्थान को भरे, फिलिंदा ब्लैंक तो अलग से आया हुआ था। और मैथ से आया हुआ था एक क्वेश्चन जो अच्छा एवरेज से था, और हाँ
SI सारा, लेकिन वो SI उसमें दे रहा था कि आपका जो 2 ईयर का दे रहा है, लेकिन निकाल रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है हाफ ईयरली 6 मंथ के ऊपर, उसके ऊपर अमाउंट बताना है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा था। अगर सिंपलीफिकेशन कितना क्वेश्चन था? दो सिंपलीफिकेशन बस, दो तीन था, दो तीन दो से तीन था। चक्रविधि ब्याज से दो क्वेश्चन था बनने वाला था, मतलब टाइम टेकिंग था। अगर कैलकुलेशन पहले से था अच्छा तो बन जाएगा, था उसमें से टाइम लेता था, बाकी सारा क्वेश्चन इजी था उसका। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे, पांच या छह था। कोडिंग डिकोडिंग से दो या तीन था, चार या पांच था उसका, और फिगर में था एक या दो ना, फिगर में नहीं है, बात कर रही हूँ। हाँ फिगर में, फिगर मिसिंग नंबर से कुछ क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन था, एक वेंजा डायग्राम से था, वाहन कार और बस, वेंजा डायग्राम था। और सीटिंग अरेंजमेंट से किस तरह क्वेश्चन, सर्कल वाला था। और इंग्लिश से, आप इंग्लिश नहीं है, क्या क्वेश्चन था? साइनो एंटो आया था, तो बता सकते हैं आप? नहीं उतना तो क्वेश्चन याद नहीं है भैया, लेकिन हाँ साइनो एंटो से आया था बस, और वैसा कोई क्वेश्चन खास नहीं था, बस आसान था, बस अगर बना देंगे तो बन जाता आसान। और इरर वाला तो क्वेश्चन था, हाँ इरर से थोड़ा मरा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आया था इंग्लिश में? एनोनिम से, सिंटोनिम से, बस यही एनोनिम से, हाँ वोकैबुलरी बस यही, बस मतलब मीनिंग याद होना चाहिए था, मतलब इजी था। हाँ इजी। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे, मेरे ऑडियंस पूछ रहे थे, एक बार आइएगा यहाँ पे, कि कितने लोग प्रेजेंट रह रहे हैं एग्जाम सेंटर पे? लगभग 65% अटेंडेंस है, 65% अटेंडेंस है, 65% के अप्रोक्स में लेके अटेंडेंस मान सकते हैं। चलिए थैंक यू। जैसा कि देख सकते हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर जो पूछना चाहते हैं आप ऑडियंस से, तो आप पूछ सकते हैं कि आपका जो भी सवाल होगा आप कमेंट करके पूछिएगा, नीचे हम आपको अगले वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग सेकेंड शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो दोस्तों हम लोग का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम लोग आपके बिना कुछ नहीं है। मिलते हैं हम लोग, लास्ट दरख्वास्त रहेगा कि इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और अपना जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।